और पटना से आए हुए बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री आदरणीय विजय चौधरी साहब यहां उपस्थित, पुलथा के पूर्व विधायक आदरणीय सदेव बाबू यहां उपस्थित, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नागमणि जी यहां उपस्थित, हम लोगों के पार्टी के विधान परिषद सदस्य और यहां उपस्थित हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष रामकिशोर वर्मा जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, लोजपा के जिला अध्यक्ष, हम के जिला अध्यक्ष, रालोद एम के जिला अध्यक्ष, एनडीए के सभी पदाधिकारीगण, जितेंद्र जी मंच पर, तमाम एनडीए के उपस्थित सभी बड़े पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित कुलथा विधानसभा के तमाम उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों और पूरे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से भी आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुगण, आज विशेष बात करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। जो 1 जून को जो मतदान होना है उसमें तीर छाप पर 2 नंबर पर ईवीएम में अंकित है तीर छाप, उसका बटन दबाकर आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और 4 तारीख को जो गिनती होगी तो हमारी विजय होगी। यही आशीर्वाद मांगने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हम आग्रह करेंगे कि सब लोग शांतिपूर्वक मैदान में बने रहें। अभी तुरंत आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे और आप लोग से आग्रह करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर, एनडीए जिस तरह से देश को आगे बढ़ा रहा है, एनडीए जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहा है, इस शक्ति को और शक्ति प्रदान करें। यही आग्रह और निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय एनडीए। अब हम सब के नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आप जनता को संबोधन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के अरवल के जिलाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र तिवारी जी, मंच संचालक जनता दल यू के अरवल के जिलाध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी, एनडीए जनता दल यू के लोकसभा के जहानाबाद से उम्मीदवार श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी और यहां हमारे साथ आए हुए माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री नागमणि जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री सत्यदेव कुशवाहा जी।